इंटरव्यू में बोल रहे थे कि इस गाने पे अखिलेश कश्यप जी और हम और वर्मा जी बहुत मेहनत किए थे। उसके नेक्स्ट डे 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू आता है, वो बोलते हैं कि आशीष वर्मा जी लिखे थे। और आप सबको एक और मैं कड़ी सच्चाई दिखाता हूँ, इससे शायद आप लोग को पता चलेगा कि सत्य क्या है। आप लोगों को मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेरा फ़ोन है जहाँ से मैं चलाता हूँ फ़ोन। अब आप सब खुद देखिए और बताइए कि क्या सत्य है और क्या गलत है। आप लोग से तो कोई छुपा नहीं है। थोड़ा सा इधर आप फ़ोन लाइए, इसको दिखाइए, आप सब देख रहे होंगे। ये हैं रितेश भैया पर्सनल, उनका नंबर है और इस पे मैंने मेरा चैटिंग भी। ये जो बात है ये आप सुन सकते हैं, तो ये उनसे आप सब ये देख सकते हैं। हेलो कौन ओला का भी मैंने भेजा था कि भैया वीडियो ये देखिए, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, इस पे कुछ कॉमेडी टाइप में गाया जाए। ये जो टिकटॉक पे वायरल हुआ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से कोई डाउट नहीं है। आप लोग यहाँ भी सर्टिफाइड हो गए होंगे, तो इस पर मैंने लिखा था कि भैया ये वीडियो देखिए तेज़ी से वायरल हो रहा है, इस पर कुछ कॉमेडी टाइप में गाया जाए। मैंने किस डेट को भेजा था, 4 दिसंबर को। तो इसके बाद अब आते जाइए, आप देखिए मैंने बोलो कितना मुझे गल, देखिए मैंने ये 12 अक्टूबर ऊपर दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से देखिए 13 अक्टूबर को देखिए मैंने लिखा है कि भैया लहंगा लखनऊआ को पूरा किए हैं। थोड़ा देखिए तो, अब इसको मैंने मेरा भांजा जो सरगम आकाश है वो गाता है, उससे मैं कंपोज कराता हूँ। आप लोग नाम ही सुनते हैं, आप लोग सुनिए। गली में कर दाऊ रावत चाली, लाइकन में मचेला खल बाली। गली में कर दाऊ रावत चाली, लाइकन में मचेला खल बाली। मार लेनी सेंट जब हम गमा कौआ, की गोरी तोरी चुनरी बाझल कौआ। जान मारे लहंगा लखनऊआ, गोरी तोरी चुनरी बाझल कौआ। जान मारे लहंगा लखनऊआ, गोरी तोरी चुनरी बाझल कौआ। जान तो आप सब, अब ये तो आप देख ही लिए होंगे आप लोग कि मैंने किस स्टेट को भेजा था उनको। जब वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने गाना लिखा है, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं आपके चहेते जो प्रिय हैं आशीष वर्मा जी, तो वो बोल रहे हैं कि छोटी कंपनियां तुच्छी है, लफंगी है, लतिया देंगे, तुच्छा कंपनी बतिया है। तो आप लोग बताइए भैया, छोटी कंपनियों को आप लोग चाहते हैं कि जो सबसे बेकार मैटर हो, जो नहीं मार्केट में बजे, वो छोटी कंपनियों को या कंपनियों को देंगे, और जो बड़ा मैटर होगा वो आपके ऑफिशियल चैनल से खुलेगा। और लड़वा रहे हैं हमको खेसारी भैया, क्या खेसारी भैया नहीं जानते हैं कि सच्चाई क्या है? ठीक है, मैंने उनको ये नहीं बताया था कभी कि मैंने गाना किसी को दिया है, इसलिए नहीं बताया था कि जानते खेसारी भैया तो पक्का है कि वो बोलते कि मैं नहीं गाऊंगा। इसलिए मैंने, अब मेरा तो करियर का सवाल है ना भैया, ये मेरा गाना बड़ा था, मैं सोचा कि कोई बड़ा स्टार गाएगा तभी बजेगा तो मैंने खेसारी भैया से गवाया। खेसारी भैया बाद में तो सारी बातें पता चली ना उनको, मैं तो बताया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, फिर भी वो इंसान मेरे से बोल रहा है कि नहीं यार गलत, तुम तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो क्या हुआ। मैंने बोला कि वो लोग भैया पहले गलती किए हैं, मैं तो लाइव में एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप गए थे पहले, लेकिन आप मेरा नाम हटाएंगे उसमें से, जिस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट हुआ है उसको हटाएंगे कि हम नहीं देंगे उस कंपनी को, क्योंकि मनोज मिश्रा जी ही ये ट्यून बताए थे, मनोज मिश्रा जी बैठवा के लिखवाए थे, हर रोज टॉर्चर करते थे कि क्यों नहीं गाना पूरा कर रहे हैं, वो क्यों नहीं गाना आ रहा है, तो उसका तो उस गाने के साथ ड्रीम जुड़ा था। तो आप तो सबको गलत बना रहे हैं, बाद में इतना गुस्सा हो रहे हैं भैया, लग रहा है कि जान मार देंगे, दो भाइयों में लड़वा रहे हैं हम, और आप क्या कर रहे हैं, आप तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में ही तहलका मचा दिए हैं। जब मान लीजिए आपको सच्चाई पता था, आपको ये भी पता था कि अखिलेश कश्यप लिखा है, इस बात से आप मुंह मोड़ रहे थे, और ये भी पता था आपको कि खेसारी भैया जब रिलीज हो गया तकाल दिए थे, जब आप इतने ही अच्छे होते भैया तो ये सब नहीं करते, एक गाने से आपका स्टेटम थोड़े गिर जाता। यही सब है और चलते रहता है भोजपुरी में, आप सब हमारे साथ हैं, आप सबका प्यार मिलता रहे वही मेरे लिए काफ़ी है। सबको प्रणाम,
सबको नमस्कार। गाना रिलीज हुआ है आदिशक्ति कंपनी से। इतना प्यार दीजिए आप लोग, इतना प्यार दीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि हर एक इंसान को लगे कि सच क्या होता है। और सत्य हमेशा जीता है, परेशान होता है, कष्ट करता है, दुख होता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है। और आप लोगों ने ये साबित कर दिया है कि सत्य सत्य होता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। तो आप सबका प्यार है, इस भाई के कंधे पे आप सबका हाथ है, इस माथे पे हाथ है, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप सबका प्यार मिलता रहे। लव यू, सबको प्रणाम, गोल लगत।